नमस्तो योगेश नमस्ते सर्वेभ अहमस्मे योगेशकुशर्मा अदम्द्भगवीता द्वितीय अध्याय विषय भगवत गीतायाम् अधुना श्रीकृष्णन उक्त ये अर्जुन कृते युद्ध अपेक्षितम् अस्ति कर्तव्य वर्त है अतएव निश्चित रूपेण भवत भी युद्ध इति अधुना भगव भगवान श्रीकृष्ण उपदशति ये अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यय न कचि कर् हिंदिया विंद अस्य व्याख्या क्या छात्रों की मांग को मैं व्याख्या करना चाहूँगा यहाँ पर श्लोक इस प्रकार से है अविनाशी तो तद वि येन सर्विद विनाशम्य न कस्ि कर्तुमरहति कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाश रहित यानी अविनाशी तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है अर्थात जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है तुम केवल उसको ही अविनाशी समझो क्योंकि असत प्रतियत नहीं होता और सत बाधित नहीं होता सच्चा न बाध्यते असत्य न प्रतीयते और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ ही नहीं है अर्थात जिससे सारा संसार है अर्थात मैं स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्म स्वरूप में उनको ही अविनाशी जान क्योंकि उस अविनाशी सत्ता का कोई विनाश नहीं कर सकता है इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध के लिए निश्चय करके उठो और युद्ध करो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता अनाशिनो अप्रमेय तस्मा युद्धस्व भारत भरता युद्धारो अस्य Hey, भरत श्रेष्ठ अर्थात हे hey, अर्जुन इस नाश रहित स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए अर्थात ये वस्त्रों के समान है ये शरीर जीवात्मा निरंतर उसी प्रकार शरीर को बदलता है जिस प्रकार हम वस्त्रों को बदलते हैं इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसमें शोक नहीं करते पुनः सुनिए इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं इसलिए हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन इति आज्ञार्थ के मध्यम पुरुष एक वचने युद्ध इसलिए तुम युद्ध करो हे अर्जुन तुम हानि लाभ का चिंतन किए बिना युद्ध करो मामेक शरण व्रज केवल मेरी ही एकमात्र शरण में आ जाओ और हानि लाभ का विचार किए बिना युद्ध करो तुम अपने कर्तव्य का पालन करो आगे कहते हैं येनम वेतारम येनम हमन्यते हतम उभौ तौ न विजानी तो नायम हंती न हन्यते या एनम वेत्ति हंतारम जो मूड व्यक्ति एनम इति आत्मानम वेत्ति इति जानाति हंतारम मारण योग्यम जो आत्मा को मारने के योग्य जानता है यस्य एनम मन्यते हतम और जिसको यह मारा हुआ समझा समझता है इस नाश रही अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है वो भा तु जानी तो वो दोनों ही नहीं समझते यम हंती न हन्यते यह आत्मा न तो मरती है और ना ही इसे मारा जा सकता है अर्थात आत्मा आत्मा इज इमोर्टल आत्मा अनादि आजादी अनंत और शाश्वत है आगे कहते हैं कि न जायते मृयते वा कदाचित नूत भविता वा न भूय अजो नित्य पुराणो न हन्यते हन्य महाने अर्थात यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न ही मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है न तो यह जन्म लेता है न मरता है न उत्पन्न होता है न फिर उत्पन्न होने वाला है क्योंकि यह अजन्मा है नित्य है सनातन है पुरातन है शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता अर्थात केवल शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती इसलिए हे अर्जुन तुम इन आत्म विषयक चित्त वृत्ति का ध्यान करो और शरीर विषयक चित्त वृत्ति को हटा दो हे अर्जुन जो सामने ये दिखाई दे रहे हैं इनके मोहपाश में तुम मत बंधो तुम केवल अपना कर्तव्य स्थित प्रज्ञ बनकर निभाओ हे अर्जुन स्थित प्रज्ञ होकर तुम अपना कर्तव्य निभाते हुए तुम युद्ध करो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो धन्यवाद